फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना। वेलकम टू यमी ट्रीट्स विद मीना। आज सच में ही आपके लिए बहुत ही यमी ट्रीट लेके आए हैं। हम बना रहे हैं चीज बर्स्ट पिज्जा। आप इसको चीज बर्स्ट पिज्जा भी बोल सकते हैं, चीज क्रस्ट पिज्जा भी बोल सकते हैं। जो भी नाम आप इसको देना चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए आपको डो की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको घर में पड़ी हुई चीजों से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक, लव और शेयर भी जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे पेज फेसबुक पेज को यमी ट्रीट्स विद मीना को भी फॉलो जरूर करें। और नीचे बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन के लिए, आप प्लीज उसे जरूर दबाएं। इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं तो प्लीज इसे जरूर दबाएं और आप हमारे वीडियोस को पूरा जरूर देखिए, नहीं तो आप बहुत सारी इम्पोर्टेंट टिप्स जो है वो मिस कर देंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तो आइए अब इसको बनाने के विधि जान लेते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी जो है मोजरेला चीज लिया है। मेरे पास ये ग्रेटेड चीज है, आप चाहें तो ग्रेट कर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लगभग दो टेबलस्पून या दो से या तीन टेबलस्पून जो है चीज स्प्रेड यूज करने वाली हूँ। अगर आपके पास चीज स्प्रेड नहीं है तो आप मोजरेला चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चीज स्प्रेड की रेसिपी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको पर्सनली जो है चीज स्प्रेड की रेसिपी आपको सेंड कर दूंगी। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच पिज्जा सॉस लिया है और उसके साथ साथ एक बड़ा चम्मच जो है टमाटो सॉस लिया है। हम इसको मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग डेढ़ चम्मच जो है मेयोनीज ली है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने दो रोटी ली है। जो रोटी अक्सर बच जाती है या फिर हम एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, और आप इसको खाने के बाद हमेशा ही एक्स्ट्रा रोटी बनाएंगे इसको खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही झटपट से आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये देखिए, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर सीजनिंग के लिए ऑर्गेनो सीजनिंग यूज कर रही हूँ, मिक्स्ड हर्ब्स। आप मिक्स्ड हर्ब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जो है काली मिर्च लिया है। इंडियन फ्लेवर्स के बिना जो है पिज्जा वो बहुत ही मुझे फीका सा लगता है, इसलिए मैं उसके अंदर थोड़े से इंडियन हर्ब्स भी इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर मैंने ये पिंक सॉल्ट लिया है, आप नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं। देखिए, सब्जियों में हम जो है यहाँ पर शिमला मिर्च इस्तेमाल करें। शिमला मिर्च को मैंने बड़ा बड़ा भी काटा है और बारीक भी इसको काटा है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने थोड़े से चेरी टमाटोज लिए हैं, आप नॉर्मल टमाटोज भी ले सकते हैं। मेरे पास चेरी टमाटोज थे तो मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज को भी मैंने डेकोरेशन के लिए इस तरह से बड़ा काटा है और छोटा भी मैंने इसको काट लिया है। मेरे पास थोड़े से बेबी कॉर्न्स थे तो मैं बेबी कॉर्न्स को भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, मशरूम्स ले सकते हैं, जेलेपिनोज ले सकते हैं, ऑलिव्स ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा जो है बॉइल्ड आलू भी लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर जो है आ जाता है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम एक रोटी लेंगे। इस तरह से आप एक रोटी ले लें। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज स्प्रेड लगाएंगे। सबसे पहले हम इस पे थोड़ा सा हमारा जो पिज्जा सॉस है और जो कैचअप का मिक्सचर है हम उसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है पर उसका डो बनाना हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि आप उसका डो बनाएं, और बाजार का पिज्जा बेस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं घर का ही प्रेफर करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम लगभग एक बड़ा चम्मच जो है वो चीज स्प्रेड का लगाएंगे। ये देखिए, आप ये अच्छी तरह से, ज्यादातर इसको सेंटर में ही रखिएगा क्योंकि ये जब मेल्ट होगा तो ये बाहर को आ जाएगा। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों को चीज स्प्रेड, चीज वाली चीजें बहुत ही पसंद होती हैं और ये हेल्दी भी है। हम आपके साथ चीज स्प्रेड की रेसिपी भी जो है वो शेयर कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपको घर में ही चीज स्प्रेड बनाना जो है वो सिखा दूंगी।
ये देखिए इसको अब हम इस तरह से काफी अच्छी तरह से इसको पूरा स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है कहीं कहीं पे मेयोनीज डाल दूंगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। इससे थोड़ा सा अच्छा रिचनेस आ जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास चीज स्प्रेड नहीं है तो आप यहाँ पर जो है मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर सीजनिंग डाल रही हूँ, मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप सिर्फ काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर मैं इस तरह से अपनी दूसरी रोटी जो है वो रख देंगे। अब देखिए इसके ऊपर हम यहाँ पर पास्ता सॉस और हमारा जो टोमेटो केचप का पेस्ट जो हमने बनाया है मिक्स करके उसको हम अच्छी तरह से लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही अच्छा बनता है, इसका क्रस्ट बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, और ये आटे से बना है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैदे की चीजें मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। ये देखिए इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हमारा जो कटा हुआ प्याज है उसको डालेंगे। ये देखिए इस तरह से जो कटी हुई सब्जियां हैं वो पहले हम नीचे डालेंगे और फिर ऊपर से दूसरी डालेंगे। ये देखिए अब इसके ऊपर मैं हमारी जो शिमला मिर्च है वो डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है। जितनी ज्यादा आप कलरफुल वेजीज खा सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा होता है। ये देखिए काफी अच्छा हो गया है, आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा ही इसके ऊपर नमक डालूंगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर हम हमारा मोजरेला चीज डालेंगे। आप अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। पहले हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे सारी जगहों पर, ताकि बाद में जो है ये इवनली स्प्रेड हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैं एकदम साइड्स पे थोड़ा सा अवॉइड करूंगी, क्योंकि जब ये मेल्ट होगा, ये देखिए अब इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा मेयोनीज डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से अलग अलग जगहों पे मैं मेयोनीज डाल दूंगी, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। अब देखिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा हमारा जो आलू है उसको हम काट के डाल सकते हैं या ग्रेट करके हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए मैंने आलू को इस तरह से बारीक ग्रेटर के साथ ग्रेट करके थोड़ा सा ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑरिगैनो और सीजनिंग का मिक्स है जो वो डाल देंगे। अब देखिए इसके साथ साथ मैंने इस तरह से एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है और उसको मैंने नीचे से जो है थोड़ा सा तेल लगा के इस तरह से सीजन कर दिया है। बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, बस इसलिए कि ताकि वो नीचे से चिपके नहीं। और अब हम इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से थोड़ी सी मोजरेला चीज डालेंगे और इस बार हम थोड़ा सा सेंटर में ज्यादा रखेंगे। मुझे चीज बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से साइड पे थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आप अपने हाथ की सहायता से जो है वो आसानी से कर सकते हैं इसको। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब देखिए अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। मेरे पास इस तरह से थोड़े से बेबी कॉर्न्स हैं, जिसको मैंने बीच में से एक चीरा दे दिया है, काट दिया है उसको। ये देखिए इस तरह से मैं इसको चार भागों में जो है इस तरह से डाल दूंगी। ये बड़ा अच्छा शेक ले लेता है, बहुत ही सुंदर फ्लावर सा बन जाता है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको फोर पीसेस में, या फिर आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं, मैं सिर्फ फोर पीसेस में लगाऊंगी। और इसके बीच में मैं ये चेरी टमेटोज लगाऊंगी। आप चाहें तो किसी भी तरह से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद है। ये देखिए, और यहाँ पर मैं जो है हमारी शिमला मिर्च जो है उसको लगाऊंगी। आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है।
तरह से मैंने इसको कर दिया और सेंटर में मैं इसको जो एक चाहिए टोमेटो इस तरह से लगा देंगे और प्याज को मैं पीछे जो है इस तरह से लगा दूंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, isn't it nice? It's very pretty. ये देखिए, और अगर आप चाहें तो आप और भी इसके अंदर जो है इसके पीसेस जो है डाल सकते हैं। ये देखिए मेरे पास थोड़े से छोटे छोटे प्याज है, मैं वो कहीं कहीं पे डाल दूंगी। मुझे प्याज का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह से मैं प्याज जो है वो कहीं कहीं पे ऐड कर दूंगी। ऊपर से चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगैनो या मिक्स्ड हर्ब्स जो है वो डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जैसे आपको जो अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और अब हम इसको हमारी कढ़ाई के अंदर जो है उसको रख देंगे। ये देखिए मैंने इसको कढ़ाई के अंदर रख दिया है और अब हम इसको इस तरह से ढक्कन के साथ ढककर जब तक हमारा चीज जो है मेल्ट नहीं हो जाता हम इसको पकाएंगे और हम इसको एकदम स्लो जो है फ्लेम पे ही पकाएंगे। लगभग इसको 5 से 7 मिनट लग जाते हैं चीज को मेल्ट होने में और फिर हम इसको देखते हैं। ये देखिए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारा चीज कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा मेल्ट हुआ है, हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है, ये चीज एकदम से मेल्ट हो गया है। क्या ये बाजार के पिज्जे से कम लग रहा है? ये बहुत ही यमी लग रहा है। जी हाँ, आइए अब हम इसको निकालते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है। ये देखिए मैंने इसको इतने अच्छे फ्लावर्स के साथ जो है डेकोरेट किया है। आप चाहें तो ये फ्लावर्स उसके अंदर भी बना सकते हैं। अब देखिए अब हम इसको काट लेते हैं। ये काफी अच्छे से कट जाता है। अब देखिए मैं इसको आपको यहां से भी काट के दिखाती हूँ। ये देखिए हम इसको निकालते हैं। काफी गर्म लग रहा है मुझे इसको उठाने में। ये देखिए कितना अच्छा चीजी इफेक्ट आया है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया है। तो आई होप आपको ये चीज बर्स्ट पिज्जा बनाने का तरीका बहुत ही पसंद आया होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। प्लीज आप इसे जरूर ट्राई करें अपने घर में और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और आपको इसके लिए कोई भी डो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसको इस बार तो जरूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर और इसको रिकमेंड भी करें। नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर से मिलेंगे एक बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।